हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से वेलकम है हमारे IFDA चैनल पर। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रिस्टल बॉल इफेक्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे इक्लिप्स वेक्टर शेप के थ्रू इक्लिप्स क्रिएट करना है विद शिफ्ट। ओके, सो क्रिएट करते हैं। ओके, हमने क्रिएट कर लिया है। सो कलर हम इसका रखेंगे ब्लैक। स्ट्रोक हमें रखना है नन, क्योंकि स्ट्रोक की हमें नीड नहीं है। देन अब हमें क्या करना है, इसको कर देना है हाइड और बैकग्राउंड की लेयर को आपको सेलेक्ट करना है। कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस जे, ताकि इसकी कॉपी जनरेट हो जाए। हो चुकी है। और इसको हमें ड्रैग कर देना है ऊपर की साइड। ओके, ठीक है। देन सबसे इसको आपको हाइड करना है, सबसे नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड लेयर को। देन जाना है फिल्टर पर, ब्लर, गॉशियन ब्लर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको रखनी 36। ओके, एंड हिट ओके। देन इलिप्स को शो करना है और अपनी जो हमने कॉपी जनरेट की थी जिस इमेज की, तो उसको सेलेक्ट करना है आपको, उसको मतलब शो करना है। और उसको सेलेक्ट कर आपको फिल्टर में जाना है। देन आपको जाना है डिस्टॉर्ट, और यहाँ पर जाना है आपको फेरेज, ठीक है, फेरेज में जाना है। इसको सेलेक्ट कर आपको यहाँ पे आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है। हिट ओके, ये अप्लाई हो चुका है। देन इसको आपको करना है कंट्रोल टी विद ऑल्ट के साथ, इसको रिसाइज करना है। ओके, जब तक ये एलिप्स के बराबर ना हो जाए अच्छे से। चाहो तो आप ओपेसिटी कम कर सकते हो आइडिया लेने के लिए। और ऑल्ट के साथ हमने इसको छोटा कर लिया है। देन अब क्या करना है आपको, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको साइड से भी स्क्वीज करना है कुछ इस तरीके से, एंड हिट एंटर। देन अपनी ओपेसिटी वापस इंक्रीज करनी है, राइट क्लिक कर इसको करना है क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ओके, देन हमें इलिप्स पर क्लिक कर राइट क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। हम आ चुके हैं यहाँ से। हमें इस पर इनर ग्लो अप्लाई करना है, सॉरी इनर शेडो, ये हमने ले लिया है, ठीक है। एंगल इसका रहेगा आपका 30-40 ले लेते हैं। डिस्टेंस ये सेटिंग्स आप देख लीजिए, अप्लाई कर लेना इसके अकॉर्डिंग, या मैं ऐसा करता हूँ रिसेट टू डिफॉल्ट कर देता हूँ। और अब आपको अच्छे से अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं इसको करता हूँ नॉर्मल, कलर वाइट। ओके, ओपेसिटी 100। देन मैं साइज़ की वैल्यू इंक्रीज करूँगा और डिस्टेंस इंक्रीज करूँगा, ताकि मेरे एंगल के अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज करके साइज की वैल्यू बढ़ा लेता हूँ और थोड़ा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। देन आपको अप्लाई करना है ग्रेडियंट ओवरले। यहाँ पे इसका ब्लेंड मोड होना चाहिए लीनियर बर्न। यहाँ से आपको ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रेडियंट लेना है। राइट वाले कलर की ओपेसिटी को आपको करना है बिल्कुल 0, और देन लेफ्ट वाला कलर लेना है आपको ब्लैक। अब देन यहाँ से ऊपर वाले ओपेसिटी वाले पॉइंटर को सेलेक्ट करके लेफ्ट साइड की साइड ड्रैग करना है आपको, ताकि ब्लैक की वैल्यू कम हो सके। अब देन इसका एंगल डिसाइड करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमने कर दिया। ओके, आप चाहें तो ओपेसिटी भी थोड़ी कम कर सकते हैं इसकी, एंड हिट ओके। देन आप और क्या कर सकते हैं, थोड़ा अगर आप चाहें तो इसमें ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो। देन थोड़ी इसकी हम वैल्यू, साइज की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, और ओपेसिटी जितनी आप कम रखेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट। तो लीजिए, आपका क्रिस्टल बॉल इफेक्ट रेडी है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही और वीडियोस हमारे चैनल से कनेक्ट रहिएगा।
अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम उस कंटेंट पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।